हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कुछ भाइयों का सवाल है कि डीवी लिस्ट कब आएगी, जहां सेकंड डीवी लिस्ट हो गई है वहां थर्ड कब आएगी, जहां थर्ड हो गई है वहां फोर्थ कब आएगी, जहां फोर्थ हो गई है वहां फिफ्थ कब आएगी। तो देखिए, इस बारे में कोई नहीं बता सकता है आपको कि डीवी लिस्ट कब आएगी। इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती है। रेलवे के पास जब भी सीट खाली होगा वो अपना डीवी लिस्ट लाएगी और पैनल लिस्ट लाएगी, उसमें फिर आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। और कितने का लिस्ट आएगा ये भी किसी को नहीं पता होता है, लेकिन लिस्ट आते रहती है जब तक कि नया वैकेंसी नहीं हो जाती। और नया वैकेंसी आने के बाद भी अगर उसका जब तक सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जैसे उसका सीबीटी वन टू या डीवी जो भी हो जाता है, तब तक वो पुराने लिस्ट वाले से ही लेते रहते हैं जिनका कि पूरा प्रोसेस हो गया है और लेकिन पैनल में नाम नहीं आया, उनका लिस्ट में नाम आते रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2018 का मेरा एक दोस्त है जिसका अभी 10-15 दिन पहले टेक्नीशियन में लिस्ट में नाम आया है। बताइए, 2018 की वैकेंसी 2023 में आई है, तो वो उम्मीद भी छोड़ दिया था कि वैकेंसी अब कभी मेरा कंप्लीट भी होगा या फिर लिस्ट में नाम भी आएगा। वो दूसरा अपना प्रिपरेशन कर रहा था, हालांकि उसका भी हुआ नहीं था कहीं, लेकिन संयोग देखिए लक एक बोल सकते हैं कि अभी उसका लिस्ट में नाम आया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। 5 साल बाद उसको ज्वाइनिंग मिली है रेलवे में, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिनका भी सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी में नाम नहीं आया हुआ, कुछ मार्क्स से अगर छूट रहा है, तो जब तक नई वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप लोगों को ही लिया जाएगा। नई वैकेंसी आने के बाद अगर उसका सिलेक्शन पूरा हो जाता है तभी आप लोग को नहीं लिया जाएगा, बगैर वैसे आप लोग को ही लिया जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो उसका कब का टेक्नीशियन वाला था और कब का ज्वाइनिंग आया। तो आइए आपको दिखाते हैं। इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देखिए ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियन थर्ड लेवल टू, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए इधर, ये इनका डेट 1/2018, ये 2018 की वैकेंसी थी जो इनको अभी कॉल लेटर आया हुआ है इनके मेल पर, आप देख सकते हैं। इधर आप नीचे देखिए, आप डेट भी इधर देख सकते हैं कि कब का इसका कॉल लेटर है, 23 नवंबर 2023 का है। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, अभी 12-14 दिसंबर ही हो रहा है। तो देखिए, ये मेरे फ्रेंड्स का है जो कि इनको बुलाया गया है, 2 कॉपी डॉक्यूमेंट्स का लेके, सारा इधर डिटेल दिया गया है। और इधर भी आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है 2018 का ये वैकेंसी है, और सीनियर डीपीओ सियालदा रिक्रूटमेंट सेल इसको बुलाया गया। देखिए, 5 साल के बाद भी वैकेंसी लिया जाता है अगर आपका सारा प्रोसेस हो गया और डीवी में पैनल में नाम नहीं आया है, तो आप परेशान ना हो, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।